दोस्तों आज हम जानेंगे भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित मंडला डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ रोचक फैक्ट के साथ ही खूबसूरत पर्यटन स्थलों और इतिहास के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। मंडला जिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। यह जिला पवित्र नर्मदा नदी एवं इसकी सहायक बंजर नदी और बुडनेर जैसी बड़ी नदियों से घिरा हुआ है। मंडला जिला सतपुड़ा के पठार से लेकर डिंडोरी जिले की मैकल पर्वत श्रेणियों तक फैला हुआ है। फ्रेंड यह जिला सागून और साल के जंगलों से आच्छादित है। दोस्तों क्या आपको पता है मंडला जिला देश पर प्राण न्योछावर करने वाली रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई जैसी वीरांगनाओं की भूमि रहा है। यह जिला जबलपुर मंडल के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगर बात करें मंडला जिले के क्षेत्रफल की तो मंडला जिले का क्षेत्रफल 8771 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार मंडला की जनसंख्या 1,000,000 के लगभग है और साक्षरता 68.28% है। महिला पुरुष अनुपात यहां पर 1,005 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुषों पर है। जिले की जनसंख्या विकास दर 2001 से 2011 के बीच 17.81% रहा है। दोस्तों इस जिले में उपमंडल ब्लॉक और 4 तहसील है और कुछ विधानसभा क्षेत्र जो कि मंडला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस जिले की सीमाएं बालाघाट डिंडोरी और सिवनी जिलों से और छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से लगती है। यह भोपाल से 382 किलोमीटर और राजधानी दिल्ली से 986 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर है। दोस्तों यह जिला कई ऐतिहासिक प्राकृतिक एवं धार्मिक दर्शनीय स्थलों से संपन्न है। इस जिले में घूमने के लिए कई दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल मौजूद है लेकिन इन टूरिस्ट पैलेस के बारे में आगे जानेंगे। इससे पहले बात करते हैं मंडला जिले के इतिहास के बारे में। फ्रेंड इस जिले का इतिहास बहुत ही शौर्यता और वीरतापूर्ण रहा है। रानी दुर्गावती और अवंतीबाई की वीर गाथाएं सभी देश प्रेमियों को स्मरण होंगी जिनमें से एक ने अकबर को धूल छटा दी थी जबकि दूसरी रानी हमेशा अंग्रेजों पर भारी पड़े। दोस्तों 1480 से पहले यह भूभाग महिष्मती के नाम से जाना जाता था और यह गोंडवाना भूभाग का अंश था। 1480 में यहाँ के शासक राजे संग्राम शाह मड़ावी बने जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम मंडला पड़ा और इस राज्य का बहुत विस्तार भी हुआ। 1564 में अकबर के एक कारिंदे आसफ शाह ने यहाँ पर हमला किया जिसका रानी दुर्गावती ने बहुत वीरता पूर्वक सामना किया मगर मुगलों की नीचना के कारण हार का सामना करना पड़ा। 1742 में मराठाओं के अधीन आ गया था मंडला। 1818 में मंडला और अन्य मराठों क्षेत्रों को लेकर एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। मराठे बड़ी वीरता से लड़े। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता के युद्ध में भी यहाँ पर कोई हलचल नहीं हुई और ये उस संग्राम से बिल्कुल अछूता रहा। 1861 में मंडला केंद्रीय राज्य का भाग बना। 1867 में यहाँ पर नगर पालिका स्थापित हुई और इसके बाद इस जिले को मान्यता मिली जो कि आज तक है। दोस्तों अब बात करते हैं मंडला जिले के खूबसूरत पर्यटक व दर्शनीय स्थलों के बारे में जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह मंडला शहर का दर्शनीय स्थल है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बाघों के अलावा भी आपके अन्य कई सारे जंगली जानवर देखने को मिल जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट जिले में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको जंगली जानवरों और पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियाँ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप सफारी का मजा ले सकते हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात मंडला। सहस्त्रधारा जलप्रपात मंडला का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह एक सुंदर जलप्रपात है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यह मंडला में घूमने की सबसे अच्छी जगह है। यह जलप्रपात मंडला शहर से दूर बाहरी क्षेत्र में स्थित है। इस जलप्रपात में नर्मदा नदी कई धाराओं में बहती है इसलिए इसे सहस्त्रधारा जलप्रपात कहते हैं। इस जलप्रपात में आपको चट्टानें देखने के लिए मिलती हैं, जो कुछ अलग प्रकार की है। नर्मदा संगम स्थल। नर्मदा संगम स्थल पर नर्मदा नदी और बंजर नदी का संगम हुआ है। यह बहुत खूबसूरत घाट है। यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर भी हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी सी के आकार में बहती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर लोग पूजा पाठ एवं विभिन्न तरह के क्रियाकलाप करते हुए देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर आप नाव की सवारी का भी मजा ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी मंडला जिले में कई सारे खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस मौजूद है। पर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।